आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में फिर सुनवाई, चार लोगों ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष। लखनऊ में धड़ल्ले से चल रही मोरंग मंडी, मंडी पर नहीं हो रही कोई कार्यवाही। कानपुर में मिलिट्री कैंप से तीन बच्चे हुए लापता, पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल। गोरखपुर में कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। देवरिया में बाढ़ प्रभावित लोगों की बांटी गई राहत सामग्री, 2000 लंच पैकेट्स किए गए वितरित। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। वाराणसी में ज्ञानवापी व श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आज सुनवाई होगी। तो वहीं इससे पहले कोर्ट ने कमीशन की कार्यवाही के दौरान मिली शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग कराने की अर्जी को खारिज कर दी गई थी और पक्षकार बनाने संबंधित अर्जियों पर सुनवाई शुरू की थी। अब तक पक्षकार बनने के लिए चार लोगों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। गाजीपुर में और ढिहार में ओम प्रकाश राजभर अपने एक पुराने परिचित से मिलने पहुंचे। वहां जब मीडिया ने राजभर से बात की तो उन्होंने कहा कि अनिल राजभर को जितना ज्ञान है उतना ही बोलेगा, लोडर मालिक नहीं हो सकता, मालिकों में बहुत अंतर है। तो वहीं नीतीश कुमार के द्वारा पिछले दिनों फुलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने देश में नफरत पैदा कर दी है। कटिहार आसाम के बॉर्डर पे मैं मधेपुरा था, अभी पिछले 4 तारीख को मैं बिहार के एक दर्जन जिले में जाके मीटिंग किया। वहाँ भी जैसे पूर्वांचल में मीटिंग होती है उसी तरह वहाँ मीटिंग हो रही है। तो लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और यही समर्थन सरकार बनाता और बिगाड़ता है। राजभर जी, अभी कल अनिल राजभर गाजीपुर में आए थे दौरे पर, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मीडिया के मनोरंजन का साधन हो गया। देखिए लोडर, अब जितना बेचारे का ज्ञान है उतना न बोलेगा, लोडर मालिक नहीं हो सकता, तो लोडर और मालिक में बहुत अंतर है ना। अभी उसी के घर के सामने 10,000 लोग जुटे थे। देवरिया में जलभराव से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। तो वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व ने बताया कि 1625 यूनिट राहत सामग्री और 2000 से अधिक लंच पैकेट्स प्रभावितों को वितरित किए गए। साथ ही व्यवस्था विभाग की ओर से विशेष कैंप का आयोजन कर लोगों को चिकित्सीय परामर्श और निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जा रहा है। गोरखपुर के एक कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बता दें कि वहीं आग से लाखों का नुकसान हो गया, जिसके चलते कॉम्प्लेक्स में मौजूद सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच गई। पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित कॉम्प्लेक्स का है। संयोग बस मैं ऑफिस में आया, ओपन था कुछ शॉर्ट टाइम वर्क करने के लिए, और तब तक अंदर गया और उसी के बाद इधर आग लग गई। हम लोगों को पता नहीं था, तब तक बाहर से हल्ला हुआ तो किसी तरीके से मैं बाहर निकला, बाकी लोग अंदर थे, कम से कम 7-8 लोग थे। उसके बावजूद हम लोग किसी तरीके से मैं बाहर निकला, उसके बाद अपना जान बचाया, फिर ऑफिस में फिर बाहर अंदर गया और अंदर के लोगों को बाहर निकाला, कम से कम 7 से 8 लोग, हाँ उससे कम नहीं थे। और इतना भयंकर आग लगी यहाँ पे, ये देखिए ये सामने है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक की शोरूम थी और उस शोरूम में ये ओपन था और वहाँ वर्क हो रहा था, और उस वर्किंग में पता नहीं कैसे आग लगी। इलेक्ट्रिक बाइक की वर्किंग में हमें तो ये नहीं मालूम है, ओपन वर्किंग में आग लगी यहाँ। और इस कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई फायर का कोई सुविधा नहीं है, कि आदमी कहीं, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे आग बुझाने का कोई सुविधा नहीं है। सरकार या यहाँ की प्रशासन क्या कर रही है कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स चल रहा है और यहाँ पे फायर फैसिलिटी नहीं है।
लखनऊ के खुशालगंज चौकी क्षेत्र पर धड़ल्ले से मोरंग मंडी और ईट मंडी सज रही, जिसकी शिकायत डीसीपी से की गई। उन्होंने आदेशित किया कि मोरंग मंडी जो लगा रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद भी पारा पुलिस की सांठगांठ धड़ल्ले से चल रही है, तो वहीं मोरंग मंडी से आए दिन रोड जाम होने के चलते दुर्घटनाएं होती हैं। रायबरेली में चोरी की घटना नहीं रुक रही है। जनपद में आए दिन चोरी की घटनाओं से लोगों में डर दिख रहा है। जहां लगातार चोर बंद पड़े मकानों को अपना निशाना बनाते हैं, तो वहीं चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। लाखों की जेवरात और 45,000 लेकर रफू चक्कर हो गए। औरैया में अनियंत्रित कार डाक पार्सल की गाड़ी में घुस गई, जिसके चलते दंपति समेत 3 मौत हो गई। आपको बता दें कि परिवार के सभी लोग इलाज के लिए कानपुर जा रहे थे, तभी कार की टक्कर हो गई। पूरा मामला नेशनल हाईवे के पास मिहोली का है। गाड़ी आ रही थी डाक पार्सल की, और ये लोग आ रहे थे, कानपुर जा रहे हैं, मेहंदी के रहने वाले हैं, संतोष कुमार अग्रवाल, जो करहल रोड अग्रवाल मोहल्ला, ये इवेंट में है इनका घर। ये पूरा परिवार जा रहा था, हस्बैंड वाइफ, इनकी 2 बेटियां और एक बेटा, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वैगन आर गाड़ी है। अलीगढ़ के गांव नगला रिसालदार में लूट के इरादे से घूम रहे 2 संदिग्ध युवकों को ग्रामीण ने पुलिस को सौंप दिया, तो वहीं कब्जे से 2 लोहे की रॉड भी बरामद की गई और दोनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया। इनकी तो पता नहीं है, ये जा रहे थे यहाँ से नानू पुल पर रुके हैं। मैं अपनी दुकान बढ़ा रहा था, मैंने दुकान बढ़ा दी थी जी, छर्रा की तरफ से ही गए। ये बोले अलीगढ़ जाना है, मैंने भाई पुलिया के नीचे से निकल जाओ और पलंग की साइड से आप छरा निकल वहाँ चले जाओगे अलीगढ़। इनसे इतनी बात कह करके मैं जो हूँ अपनी मोटरसाइकिल में चालू करिए, मोटरसाइकिल लेके आ रहा था। फिर इनने कहा करो जो पुलिया में गए होगा मोटरसाइकिल लेकर वो वापस हुए हुए, और जो नानू की साइड में गए होगा वो भी वापस हुए हुए। मैं लोगों पर छुटे भैया थे, मैंने कि 420 का आ जाए तो गाड़ी तेज चला। वो बोलो चलो भैया, फिर जिनने हमारे गाँव तक पीछे करो गाड़ी को, जाना पाछी वाले ने, एक पे अपाची और एक पे स्प्लेंडर ही, दोनों पे 3-3 आदमी है। मामला ये क्या, ये 6 बदमाश थे, 2 बाइक थी और 1 कार थी। ये कुछ हमारे नानू पुल से दुकानदार दुकान बंद करके आ रहे थे, तो उनके पीछे लग गई है। जब उन लोगों को शक हुआ तो इनके पीछे भागे, तो उन्होंने रोड से हमला किया उन लोगों पर, और हमला करने के बाद जब हमला किया तो ये गाँव वाले सभी लोग इकट्ठे हो गए, शोर मचाया तो भाग के पड़े, तो ये 4 लोग भाग गए, 2 लोग पकड़ लिए। जूही थाना क्षेत्र के मिलिट्री कैंप से 3 बच्चे लापता हो गए, जिसके चलते पीड़ितों का रो रोकर बुरा हाल है। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसीपी और पुलिस जांच में जुट गई, जिस पर पुलिस ने बताया कि जानकारी के मुताबिक तीनों रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी दूसरा बच्चा बांदा की बस में सवार हो गया। रायबरेली में पुलिस ने गोकशी की घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। दरअसल एक दिन पहले भदोखर थाना इलाके में गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने बेहटा पुल के पास 2 युवकों को रोक लिया। इस दौरान बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर फायर कर दिया। साल का एक मरीज आया है और पूरे बंजारन थाना महाराजगंज का रहने वाला है। पुलिस से कई मुठभेड़ हुई है और बता रहे हैं कि शायद उसके गोली लगी हुई है, ऐसा पुलिस वाले बता रहे हैं। आपके जांच में क्या आया है, क्या किस तरह की? हमें तो अभी जांच में चोटें दिख रही हैं, अब आगे एक्सरे वगैरह होगा तो हालात है इस समय। हाँ, हालात तो उसके गंभीर हैं, तभी तो उसको यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।